हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गुरुकुल विज्ञान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 देखेंगे, जो कि हम लोग कुछ पिछले क्लासेस में देखे थे। यहाँ से इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करेंगे। जो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो हम लोग एक क्वेश्चन का बेस जो है बेसिक है, यानी कि ये रेशो मेथड से, यानी कि रेशो के आधार पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां से एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को, और दूसरी वजह आप देखिएगा तो PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें डाला गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि sec थीटा माइनस tan थीटा बाय sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/7 हो तो आपका वैल्यू जो दिया हुआ है इतना बराबर इतना निकालने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा ही लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस दिखने में बड़ा है। यानी आप जब इसको सोल्व कीजिएगा तो बहुत से आसान तरीके से सोल्व किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, सोल्व करने के लिए आप देखिएगा कि यहाँ जो जो वैल्यू दिया हुआ है, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। तो क्रॉस मल्टीपल आप कीजिएगा इस वैल्यू को, तो इस तरह से होगा इक्वल 7 sec थीटा माइनस 7 ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू, अब इसको देखिएगा तो sec थीटा प्लस tan थीटा जो लिखा हुआ है इसमें अगर क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो सेम चीज आएगा, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि यहां से 7 से मल्टीपल किए तो 7 sec थीटा माइनस 7 tan थीटा, 1 से किए तो 1 sec थीटा और प्लस का tan थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग एक साइड में लाके इसको सेपरेट करेंगे, यानी ये sec थीटा को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करते रहे 6 ऑफ sec थीटा इक्वल टू, इसको 10 को 10 तरफ ही सेंड करते हैं, तो अगर सेंड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 ऑफ 6 नहीं माइनस में तो प्लस में जाएगा, यानी कि 8 ऑफ tan थीटा। अब यहां से देखिएगा तो ये चीजें दोनों आपस में क्या होंगे, कट रहे हैं, तो काट देना है यहां से। काटने के बाद में बच रहा है 3 और sec थीटा बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, होता है ना, ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ कितना बचा है, 4 बचा है, तो tan थीटा बराबर, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा, पढ़े थे ना, ये चीजें जो होता था कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। अगर दिक्कत होगा तो आप जो फर्स्ट क्लासेस हुआ था वहां पे हमने कुछ बेसिक चीजों को बताया था। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे कि sin थीटा बाय cos ऑफ थीटा, देखिएगा तो एक cos थीटा एक cos थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये बचेगा 3 इक्वल टू 4 sin थीटा। अगर इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू sin ऑफ थीटा। अब आपको पता है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, वैल्यू P/H होता है। अगर आप यहां से देखेंगे, जैसे ये जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है P का वैल्यू और ये वैल्यू दिया हुआ है H का, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये sin थीटा बराबर, आपने पढ़ा होगा कि sin थीटा इज इक्वल टू P/H, तो P का वैल्यू और H का वैल्यू, अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, B का वैल्यू चाहिए, तो B का वैल्यू निकालने के लिए B बराबर क्या होता था कि अंडर रूट H स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9, तो B बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7। ये जो वैल्यू हुआ हमारा, B का वैल्यू निकल गया, P का वैल्यू निकल गया और H का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में आप देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि cosec थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बटा cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर ऑफ थीटा, तो यहां से वैल्यू आप लिखिएगा, तो cosec थीटा का जो फॉर्मूला होता था ये होता था h by p, यानी h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो h का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 4/p, p का वैल्यू कितना है 3 प्लस, अब cot स्क्वायर ऑफ थीटा यानी cot का वैल्यू क्या होता है, तो b/p, तो b का वैल्यू कितना है, √7 लिखेंगे हम लोग, √7/p का वैल्यू कितना, तो p का वैल्यू आपका है 3। इसके बाद नीचे लेके चलेंगे, अब नीचे में देखिएगा तो सेम कंडीशन दिया हुआ, सिर्फ क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है, और देखिएगा ये स्क्वायर था तो स्क्वायर हम लोग लगा लेंगे, ये हो जाएगा आपका 4/3 माइनस √7/3 का स्क्वायर।
अब यहां से एकदम आराम से इसको सोल्व करेंगे, आप सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4/3 + 7/9, नीचे लेके आइएगा तो ये हो जाएगा 4/3 - 7/9। ठीक है, इसको यहाँ से क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से आप यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, चाहे जैसे जो भी हो आपका यहाँ से सोल्व करने आराम से आ सकता है आपको। तो सोल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 + 7/, नीचे में भी एलसीएम हो जाएगा 9, यहाँ देखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, यानी कि 12 - 7, 9 से 9 कैंसिल, ये हो जाएगा 19/5। और ये जो वैल्यू निकला ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी राइट ऑप्शन हो गया आपका कौन सा, 19/5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं। इसको सोल्व कर सकते हैं, एक और नियम है लेकिन उस नियम को हम लोग आगे पढ़ेंगे जब, तो वहां से हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेंडो और डिपेंडेंडो के माध्यम से कि इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि यदि एबीसी में बी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज माना जाएगा। इसके बाद यदि टेन ए बराबर इतना वैल्यू है तो साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी का वैल्यू क्या होगा। इसे जानने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखेंगे कि वो फॉर्मूला क्या होता था। जैसे ये फॉर्मूला जो होता था, अगर आप फॉर्मूला देखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चार फॉर्मूला है आपको याद रखना है, कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला है कि साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, थर्ड नंबर जो है फॉर्मूला वो है कोस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, फोर नंबर कोस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन यहाँ से आसानी से बन सकता है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे का, ये होता है कि साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, सिर्फ जो साइनिंग है जो माइनस लगाया हुआ है वो भी हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे इसमें, कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है फॉर्मूला की, कोस इंटू ए प्लस बी का और कोस इंटू ए माइनस बी का। तो आप देखिएगा इसमें कि कोस जो होता है साइन और कोस, जैसे इसमें दोनों आपस में मल्टीपल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कोस में क्या करेगा, सिर्फ अकेले ही रहेगा, यानी कि कोस ऑफ ए इंटू कोस ऑफ बी, और यहाँ पे प्लस जो साइनिंग है वो माइनस देता है, माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, इसका चलेंगे, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है, नोट कीजिए। तो देखिए इस फॉर्मूला से हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस में ये जो दिया हुआ है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि अगर एक राइट एंगल की बात किया है तो राइट एंगल हम लोग ले लेंगे, राइट एंगल में क्या बोला गया है कि बी जो है हमारा राइट एंगल है, लेकिन टेन ए बोला है, यानी कि इस एंगल को ए माना है और इसको मान लिया है सी। इसके बाद में बोला गया है कि टेन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि ए हो जाएगा आपका p का वैल्यू और ए हो जाएगा आपका b का वैल्यू, क्योंकि tan a बराबर क्या होता है p/b होता है। यहाँ तक क्लियर, अगर p होता है तो जो हमारा एंगल बन रहा है, एंगल के सामने वाली जो साइड होता है उसको p बोलते हैं, और जो हमारा बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, h बोलते हैं, और छोटे वाले को b बोलते हैं। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, और p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। h का हमें वैल्यू क्या चाहिए, फाइंड करना है,
तो आप एच के वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से बना सकते हैं। तो देखिएगा हाँ, यहाँ से हम लोग जो देख रहे थे, ये जो वैल्यू था कि टेन ऑफ ए इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, ये वैल्यू किसका दे रहा था, ये वैल्यू दे रहा था पी का और ये वैल्यू दे रहा था बी का। तो पी का जो भी वैल्यू है तो यानी वन हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट थ्री और ये एंगल यहाँ ए बना रहा था, ये हो रहा था बी और ये हो रहा था सी। अब यहाँ से आप देखिए, अगर आप बेसिक से सोल्व कीजिएगा तब एच निकालना होगा, लेकिन मैं बिना एच निकाले हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी। ठीक है, ये जो हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े थे कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता था, कि साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से मिस्टेक हो रहा है, ये हो जाएगा कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। तो आप देखिएगा कि इसको मैच करके, तो ये जो फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला इसमें मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है, ये वाला इस साइड में, ये क्या हो जाएगा एंगल देखिएगा, इसका ये है इसका एंगल सी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस सी का फॉर्मूला है ये, है ना, सेम देखिएगा, तो ये हो जाएगा साइन इंटू ए प्लस सी का फॉर्मूला। आप अभी हम देखा कि यहाँ जो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में बी जो है वो 90 डिग्री है, तो आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल में उसका जो माप होता है वो होता है कितना, 180 डिग्री। तो 180 में ये पता है कि बी जो है 90 डिग्री है, यानी कि कोण ए और कोण सी मिलाकर कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे, होंगे ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस सी बराबर 90 डिग्री। तो हमें किसका चाहिए, यानी कि साइन इंटू इसका वैल्यू यहाँ रख लेंगे 90 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस और कुछ नहीं करना था, एंगल निकालना था, एंगल से हम लोग देखेंगे, एंगल अगर मैच करता है वहां पे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, यहाँ पे एच निकालते, एच निकालने के बाद में वैल्यू को पुट करते, उसके बाद में भी आपका निकल जाएगा सेम वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एबीसी में बी पर संपूर्ण है, यदि टेन ए बराबर 1/2 दिया हुआ, सेम क्वेश्चन है इसमें, फिर एक जो वैल्यू दिया हुआ इसका निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे इस फंक्शन को, सेम उसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं कि एक राइट एंगल है, इस राइट एंगल में ये 90 डिग्री हुआ और बोला गया है इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोला गया है कि टेन ए का वैल्यू 1/2 है, तो टेन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, यहां से देखिएगा जैसे ही ए वैल्यू निकला कि टेन ऑफ ए बाई टू, तो ए हो जाएगा वैल्यू आपका पी का और ए वैल्यू हो जाएगा बी का। ठीक है, हाँ, तो ए पी का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि एंगल ए बना रहा है, इसका जो सामने वाला होगा ये पी होगा, यानी कि ए हो जाएगा 1, ए हो जाएगा 2, तो यानी कि एच बराबर क्या होगा, एच बराबर जो भी फॉर्मूला होता था पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, एच बराबर क्या आ रहा है रूट अंडर 5, यानी जैसे ही एच का वैल्यू में पता चल गया, पी के वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्वेश्चन में यानी फंक्शन में चलेंगे। आप इसका आंसर देखिएगा, तो आंसर किस तरह से बनेगा, साइन ए, तो साइन ए में चलना है, जैसे साइन ए के चलते हैं तो पी बाई एच होता है, तो पी का वैल्यू कितना है 1 और एच का वैल्यू कितना है रूट ऑफ 5, लिखेंगे 1/√5 इंटू कोस सी। अब यहां ध्यान देना है आपको, इस तरह से एंगल लेके चलना है, जैसे
थोड़े से हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। जैसे एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ये मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं ए। यहाँ पर दिया हुआ है 3, 4 और 5, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया हो कि साइन ऑफ बी बराबर क्या होगा, साइन ऑफ सी बराबर क्या होगा और साइन ऑफ ए बराबर क्या होगा, तो तीनों का जो भी वैल्यू होगा वो तीनों का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा। कैसे होगा देखिए, आपको पता है कि बी को लेकर चलते हैं तो यानी हमारा जो ए भुजा होगा ए बी होगा, ठीक है। तो इसका लेके चलते हैं तो इसका हमें सेम आपका कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आपका नहीं वैल्यू निकलेगा ज्यादा चेंजिंग, ये दोनों में आपका चेंजिंग वैल्यू निकलेगा। जैसे साइन सी साइन ऑफ ए, तो साइन ऑफ सी के लेके चलते हैं तो साइन सी का जो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। तो इसका क्या होता है पी बाई एच, पी का वैल्यू कितना 3/h, का वैल्यू कितना है 5, तो इसका ए आंसर आएगा। लेकिन आप देखिएगा कि साइन ऑफ ए, तो साइन ऑफ ए यानी कि ए एंगल में लेके चलिएगा तो इसका जो सामने वाला होगा ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए हो जाएगा बेस और ए हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी पी बाई एच यानी कि क्या हो जाएगा 4/5। उसी तरह से अभी हम लोग क्वेश्चन में देखे थे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ है कि साइन ऑफ ए तो ये कितना निकाल लिए, लेकिन कोस सी का दिया हुआ है वैल्यू, किसका दिया हुआ कोस सी, तो सी एंगल से चलेंगे यानी इस एंगल से चलेगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, इसके सामने वाला क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो कोस सी का वैल्यू क्या होता है बी बाई एच, तो बी हमारा कौन हो जाएगा 1 और एच कौन हो रहा है ए हो जा रहा है, तो यानी कि 1/√5 इसके बाद प्लस कोस ऑफ ए। अब कोस ऑफ ए का लेके चलिएगा तो इस एंगल के लेके चलेंगे ए हो जाएगा हमारा पी, ये हो जाएगा बी यानी कि 2/√5। नीचे चलते हैं कोस सी का लेके चलेंगे तो सी में सेम लेके चलिएगा तो बी बाई कितना हो जाएगा एच यानी 1/√5 इंटू। अब साइन सी का वैल्यू, साइन सी में चलेंगे तो सी के सामने वाला पी होता है यानी कि पी बाई एच 2/√5 माइनस साइन ऑफ ए, साइन ए ए एंगल से चलेंगे तो ये हो जाएगा पी पी बाई एच यानी 1/√5। अब इसको देखिए, जो भी आपका ब्रैकेट से बाहर होता है वो आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, और कटने के बाद में आप देखिए यहाँ सब सोचिएगा कि एलसीएम लेके निकालेंगे, लेकिन एलसीएम लेने में आपका लॉन्ग मेथड जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखिएगा कि सब में अगर नीचे में सेम चीजें हो उसको हम लोग कट कर देंगे, कट करने पर क्या हो जाएगा 1 और 2 3 और 2 में से 1 1 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 3, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो देखिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट की जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ट्रायंगल एबीसी में कोण बी जो है 90 डिग्री है, एबी रेशियो बीसी है, यानी कि हम लोग एक राइट एंगल बनाते हैं इस तरह से। इस राइट एंगल में आप देखिएगा तो बी जो बोला है वो 90 डिग्री है और ए बोला है कि ए और सी, ठीक है। तो ए बी रेशियो बीसी को बात किया है, तो ए जो हो रहा है वैल्यू ए बी का वैल्यू दे रहा है 1 और बीसी को वैल्यू दिया हुआ 2, यानी इसका वैल्यू निकालना है। एज बराबर क्या होगा √1 के स्क्वायर यानी 1+4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √1+4√5 यानी एज का वैल्यू हमें क्या हो गया मालूम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस में चलेंगे, तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि cos ऑफ सी प्लस टेन ऑफ, ये दिया हुआ ना ए प्लस टेन ऑफ सी, तो यहाँ से आप वैल्यू देखिए कि कोस ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता था पी कहलाता था, तो हो जाएगा बी बाई एच यानी बी हो गया इसके लिए ए यानी 1/√5
फाइव प्लस टेन सी का वैल्यू, एंगल हम लोग कहां से चलेंगे, सी के से चलेंगे, इस एंगल से आप चलिएगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी पी बाई बी होता है टेन वन बाई टू, वन बाई टू, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा टू रूट फाइव, ऊपर में क्या हो जाएगा टू प्लस रूट ऑफ फाइव, ठीक है। अगर ये आंसर देखिए तो मैच कर रहा ऑप्शन में, यानी ऑप्शन में हमारा हो जाएगा टू प्लस रूट फाइव, टू प्लस रूट फाइव, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 5/13 हो और इसके बाद बोला गया है कि 7 cot b = 24 हो तो sec a into cos b into tan a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, हाँ इस क्वेश्चन में देखिएगा तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है कि साइन ए, इसके लिए ए दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो इसके लिए दो ट्रायंगल बनेंगे। देखिए किस तरह से, इस तरह से हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे, एक ट्रायंगल ये हो गया, ये हो जाएगा ए बी और सी, आप इसको ए बी सी मान रहे हैं तो इस तरह से भी मान सकते हैं, जो कि हमारा ये हो जाएगा बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी, तो साइन ऑफ ए बराबर वैल्यू दिया हुआ है 5/13, यानी कि ये हो जाएगा P by H, यानी P by H, P का वैल्यू 5 और H का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, इस एंगल से हम लोग सामने लेके चलेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर, यानी 5 और H का वैल्यू कितना है 13, तो आपको ये ट्रिपलेट बताए थे कि 5, 13 और किसका था, यानी कि 12 का, ये ट्रिपलेट आपको याद रखना है, क्योंकि आप ट्रिपलेट नहीं रखिएगा तो फिर आपको बी का वैल्यू निकालेगा, फॉर्मूला लगा के आपको वैल्यू निकालना पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग पीछे जो ट्रिपलेट पड़े हैं उस ट्रिपलेट को याद रखना है, ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग बनाएंगे एक राइट एंगल, इस राइट एंगल का ये हो जाएगा ए बी और सी, ठीक है। इससे पहले हम लोग कुछ थोड़े सा इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है कि 7 cot b = 24, इसको लिख सकते हैं कि cot of b is equal to 24/7, ये हो जाएगा आपका वैल्यू b का और ये वैल्यू हो जाएगा p का, अब किसका वैल्यू चाहिए, h का, इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल में क्या बोला गया है कि a जो हो रहा है b हो जा रहा है, तो इसको मान लेते हैं a और ये हो जाएगा c, अब इसके जो सामने वाला हो जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 7, ठीक है, और इसके बाद में हो जाएगा 24, आपका ये जो होता है क्या होता है 25 होता है, ट्रिपलेट के नियम से चलेंगे तो ट्रिपलेट में हमारा निकल गया एच का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चंस में चलेंगे, क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, क्वेश्चंस में जो बोला गया है वैल्यू देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक ऑफ ए, तो सेक ऑफ ए यानी कि सेक ऑफ ए आप यहाँ से चलिएगा ए वैल्यू से, क्योंकि इससे तो चल नहीं सकते हैं, चूंकि ए जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है राइट एंगल है, तो राइट एंगल से आप यहाँ से निकाल नहीं सकते, यहाँ से चलेंगे सेक, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है कि बी बाई एच, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 12 बाई एच का वैल्यू 13, ये वैल्यू आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 12 बाई 13 मल्टीपल कोस ऑफ बी, कोस ऑफ बी कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे इस एंगल से, बी का वैल्यू क्या होता है कोस ऑफ बी बराबर बी बाई एच होता है, बी का वैल्यू कितना हो जा रहा है 24 और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ लिख लेंगे 24/25, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके बाद आगे देखते हैं तो आगे जो आपका वैल्यू आएगा यानी मल्टीपल कोसेक बी, तो कोसेक ऑफ बी इज इक्वल टू इसका हो जाता है फॉर्मूला एच बाई पी, एज का वैल्यू कहाँ से यानी कोसेक बी चलेंगे, तो यहाँ से चलेंगे इस ट्रायंगल से चलेंगे, इस ट्रायंगल में बी के सामने वाला क्या होता है पी होता है, तो आपका कौन सा चाहिए ये चाहिए, तो ये 7 हो जाएगा, एज का वैल्यू कितना है 25, यानी कि 25/7, तो यहाँ लिख लेंगे 25/7, इसके बाद मल्टीपल टेन ए,
टेन ऑफ ए बराबर, तो यानी पी बाई बी, तो टेन ए जो होगा यानी इस एंगल में चलेंगे, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बी, यानी फाइव बाई ट्वेल्व, यहाँ लिख लेंगे फाइव बाई ट्वेल्व। इसको आप सोल्व कीजिए, अगर कट रहा है तो काट देंगे, 25 से 25, और कोई कट रहा है 12 से 12 कैंसिल, इसको मल्टीपल कीजिएगा तो हो जाएगा ऊपर में 120 बाई ये हो जाएगा आपका, देखिए हो जाना चाहिए, सर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है शायद, ठीक है हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक किया है, ये जो 12 12 बाई 13 हो रहा था, ये वैल्यू 13 बाई 12 होगा, ठीक है, इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब देखिए तो और कटेगा कोई वैल्यू, वैल्यू को काटिए, यानी इसका वैल्यू हो रहा था 13 बाई 12, ठीक है, इस वैल्यू को, और इसके बाद में देखिए मल्टीपल करके, यहाँ से हम लोग जो काट रहे हैं इसको, एक सेकेंड, ये गलत हम लोगों ने काटा है, क्योंकि 12 आ गया तो इसको 2 टाइम में काटेंगे, अब ये 12 आपका जो होगा वो नहीं कटेगा, फिर से बिल्कुल लिख लेते हैं, देखिए कैसे लिखना है, इसको अगर लिखेंगे डायरेक्ट ये हो जाएगा 12 बाई 13 बाई 12 था ना, 13 बाई 12 मल्टीपल, ये हो जा रहा था आपका कोस बी, कोस बी का वैल्यू कितना निकालते हैं, 24 बाई 20 ऑफ 5 मल्टीपल कोसेक का, कोसेक बी का वैल्यू कितना था, 25 बाई 7, इसका वैल्यू था 5 बाई 12। अब इसको हम लोग यहां से कट कर सकते हैं कि 25 से 25 कैंसिल, इसको काटिएगा तो हो जाएगा कितने बार में, 2 टाइम में, इसको मल्टीपल कर दीजिए, यानी 13 दूनी 26 26 25 अगर जोड़िएगा तो हो जाएगा 36 के 0 और कटेगा जी, इसको काट सकते हैं, हाँ ये यहाँ से काट लीजिए, 2 से काटेंगे 6 बार में, ये हो जाएगा 65 बाई 42, ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, आज हम लोग यहीं क्लास को क्लोज करते हैं, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, होमवर्क के लिए आपका एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ से ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, और कल से हम लोग शेड्यूल आपका रहेगा 3 PM से हम लोग मैथ स्टार्ट रखेंगे, जो कि हम लोग एडवांस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करेंगे, ठीक है। अब जो लोग नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हमारा अपलोड किया हुआ है, वहां से आप देख लेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका जो हो गया ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप देखिएगा बनाइएगा, उसके बाद कमेंट करना है, ठीक है, थैंक यू।